हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजू कुमार। दोस्तों, कुछ देर पहले 12th की रिजल्ट जारी हो चुकी है, तो मैं सभी अभ्यर्थी को जिन्होंने 12th में अच्छे मार्क्स प्रदर्शन किए चाहे कम मार्क्स प्रदर्शन किए, मैं सभी को मुबारकबाद देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य का मैं कामना करता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़ाई की थी हिस्ट्री की, और अदर जो सब्जेक्ट थे उनको मैंने सजेस्ट किया था कि इससे पढ़ाई करो, तो उन सब का भी रिजल्ट आ चुका है और सभी का मुझे कॉल आया है, तो काफी अच्छा लगा दोस्तों, क्योंकि सबका रिजल्ट अच्छा रहा। किसी का फर्स्ट डिवीजन है कि कोई सेकेंड डिवीजन है, तो देखिए दोस्तों, पहली बात कि मार्क्स मैटर नहीं करता है, किसी के फ्यूचर को डिसाइड नहीं करता है, इसीलिए जो कम मार्क्स वाले बच्चे हैं वो बिल्कुल भी ना घबराए, बिल्कुल भी तनाव ना ले, स्ट्रेस फ्री रहे, क्योंकि आपका जो मार्क्स है वो आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा। आपके अंदर जो टैलेंट है वो उतना, जितना आप कहा जाता है कि जितना आप निखरोगे बिखरोगे उतना ही आप निखरोगे, तो ये रिजल्ट आपको बिखारेंगे तो ये बिखरिएगा नहीं, ये तो आप में निखार लाएगा, आप में सुधार लाएगा। ये सब सीढ़ियां हैं हमारे लाइफ की, एक सीढ़ियां हैं, 10th 12th BA MA जो भी चीज हम लोग करते हैं या सपना देखते हैं, एक सीढ़ियां की तरह काम करती है। तो कम मार्क्स आने पे या आप जितना अपेक्षा किए उतना मार्क्स नहीं ला पाए, तो बिल्कुल भी ना घबराए, बिल्कुल भी स्ट्रेस ना ले, ये मार्क्स आपकी जिंदगी के एक डिग्री की कागज के पन्नों में ही अंकित रह जाएगी। आपके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ ये मार्क्स नहीं कर सकती है। वो सभी बच्चे जो अभी के टाइम में कम मार्क्स आने पे गलत सोचते हैं, निगेटिव थॉट लाते हैं, वो सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि कम मार्क्स आपके फ्यूचर डिसाइड नहीं करते हैं। आप वो इंसान है जो पूरे दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि आप अपने आप में यूनिक हैं, आप बेस्ट हैं, जो आप में है वो किसी में नहीं है, क्योंकि हर कोई में विशेष गुण पाया जाता है। तो वो बच्चे जरूर अपने उज्ज्वल भविष्य के लिए सोचिए कि आगे मुझे क्या करना है। जो बीत गई सो बीत गई, बात खत्म, तो अब आगे मुझे क्या करना है, आगे क्या टारगेट करना है। अब कोई बच्चे होंगे जो नीट के प्रिपरेशन करेंगे, कोई बच्चे मेडिकल के IIT के प्रिपरेशन करेंगे, कोई UPSC सोचेंगे, कोई BPSC सोचेंगे, कोई जनरल कंपटीशन में सोचेंगे, तो मैं उन सभी स्टूडेंट को मैं बोलना चाहता हूँ, 12th के बाद आदमी का एक स्टूडेंट का एक करियर स्टार्ट होता है, एक सही डायरेक्शन स्टार्ट होता है। तो आप जो भी फैसला लीजिएगा ऑनर्स में वो सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपका लाइफ का डायरेक्शन बदलने वाला है, क्योंकि आपका अभी से डायरेक्शन ही आपको मंजिल तक लेके जाएगा। तो अपने सब्जेक्ट की चुनाव अपने ढंग से करें, अपने लक्ष्य को साधे कि आपका लक्ष्य क्या है, आपका टारगेट क्या है, आपका एम क्या है, उस हिसाब से आप अपने सब्जेक्ट को चूज करें, ताकि आपको लक्ष्य प्राप्ति करने में वो सब्जेक्ट आपको मदद करे। अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि मैं बहुत कम मार्क्स लाया आगे कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो ये उसकी गलतफहमी है दोस्तों, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। आप आगे तो बढ़ के देखिए, जब तक दोस्तों कहते हैं आप उलझेंगे नहीं तब तक सुलझेंगे कैसे, तो सुलझने के लिए उलझना पड़ता है, उलझा हुआ जितना ज्यादा, जितना बड़ी समस्या होगी उतना ही बड़ी सफलता मिलेगी, समझें दोस्तों। इसीलिए घबराना नहीं है, थोड़ा सा टेंशन नहीं लेना है, रिजल्ट जो आया उसी में खुश रहिए, मस्ती कीजिए, पार्टी कीजिए, एंजॉय कीजिए, और जो सफल नहीं हो पाए दोस्तों दोबारा ट्राई करेंगे। हम लोग कौन से सफल इंसान थे, हम लोग भी असफल हो गए थे, फिर से सफलता मिला। तो जो जरूरी नहीं है कि जो असफल हो गया वो सफल नहीं हो सकता, वो उससे भी बेटर हो सकता है। आप प्रयास तो कीजिए, आप प्रयास करने की कोशिश तो कीजिए, आप सबसे बेटर निकलिएगा, सबसे आगे निकलिएगा। मैं फिर से अंतिम में सभी भाई एवं बहनों, सभी छात्र छात्राओं को मैं बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ, और उनके उज्ज्वल भविष्य का कामना करता हूँ। आप लोग आगे जाके बहुत अच्छा कीजिए, और दोस्तों जो भी इसमें छात्र छात्रा BA ऑनर्स आर्ट्स पेपर लेना चाहते हैं, तो मैं आर्ट्स का कंप्लीट वीडियो आपको अभी, हिस्ट्री ऑनर्स के कंप्लीट वीडियो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। आप मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से BA का, हिस्ट्री ऑनर्स का तैयारी कर सकते हैं। अदर पेपर सब्सिडरी के लिए मैं प्री प्लान तैयार है, बहुत जल्दी प्लानिंग लेकर आऊंगा आपको। मैं BA का कोई भी कोर्स कीजिएगा, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री, आप मेरे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक का बटन दबाइएगा, और अपने दोस्तों में भी क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।